नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर और मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक में हूं। चांदनी चौक की ये मशहूर पराठे वाली गली है, आप देख सकते हैं मशहूर पराठे वाले गली के पास खड़े हैं। और यहां पर हम जानने पहुंचे हैं कि जो अभी 12 मई को दिल्ली में वोटिंग पड़ी है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 23 मई को रिजल्ट आने वाला है, तो संभावित रिजल्ट क्या होगा, हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे चांदनी चौक में। और जैसा कि आपको पता है दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। आइए देखते हैं कि दिल्ली में 7 सीटों पर क्या परिणाम आने वाला है। लोग मोदी है दिमाग में, मतलब यहाँ बीजेपी ही जो है आगे चल रही है अभी आपके हिसाब से। आम आदमी पार्टी का क्या रहा इस बार? कुछ पता नहीं जी, अभी तीनों का कुछ नहीं पता मोटा माटी। दिल्ली में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें निकलेंगी? मुश्किल लग रहा है, बीजेपी आगे है 4 या 5 समझो बीजेपी का मोटा माटी जो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन और भी लोगों से जानना चाहेंगे आप क्या कहते हैं इस पर कि यहाँ पर 12 मई को जो मतदान हुआ है किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है आपको? हमें तो जी फूल बीजेपी, हमें 40 साल हो गए बैठे हुए सब्जी के लिए। आप क्या आप देखते हैं? हम ये देखते हैं कि 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी को आएंगी। हमें सुरक्षा के लिए सबने दिल्ली को बीजेपी को ही वोट दिया है। आम आदमी पार्टी का क्या रहा? आम आदमी पार्टी के बावजूद कुछ भी नहीं है, उसे कोई नहीं पूछ रहा, सारी वोट उनकी जो कांग्रेस को डिपेंड है वही, दोनों टक्कर कांग्रेस की और बीजेपी की है। तो आखिर जो 70 विधानसभा सीटों में वो 67 सीटें निकली थी पिछली बार, उसका क्या होगा? अब की बार 7 सीटें भी नहीं आएंगी उसकी 70 सीटों में से। तीनों तरफ से ही चल रही है जी। कोई ये मुकाबला आपको दिख रहा है मोदी का? अरे आम आदमी पार्टी का, या तो बीजेपी या कांग्रेस। कांग्रेस इस बार ले जाएगी सीटें? भाई कांग्रेस ने अच्छे प्रोग्रेस की, कांग्रेस हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी की जो सीटें निकली थी 67 विधानसभा में, तो उसको क्या इस बार उसका कुछ असर नहीं देखने को मिला क्या लोकसभा? बात यह है कि दिल्ली वाले पहले तो बैठ गए थे इनके, जब इनकी बातों से इनकी चीज़ों से इनकी हरकतों से कोई दम नहीं। किस तरीके की है इस बार देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी में क्या दम ही नहीं है? जिसकी बात में दम नहीं है उसका क्या है, पार्टी की बातों में दम तो होना चाहिए। पूर्ण राज के दर्जा आप लोगों को पसंद नहीं आया लग रहा? नहीं, अरे पूर्ण राज का दर्जा मिल ही नहीं सकता, कहाँ से मिलता है? जबरदस्ती की बात। आम आदमी का लोकसभा चुनाव में तो सर मुझे नहीं लगता, नहीं लगता दिल्ली में सीट कम से कम मोदी की निकलेगी। मोदी की? अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं चलेगा? नहीं पता पड़ेगा केजरीवाल, जो मोदी की लहर वही अभी लहर चल रही है, शायद मोदी की है, मोदी के ही लहर है। 7 सीटें हैं, 7 पर 7 इस बार बीजेपी को ही जाएगी क्या आपका? शायद लग तो रहा ही है। इस बार जो 12 मई को वोटिंग हुई है उसका क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या रुझान किसके फेवर में जा रहा है? यहाँ से तो कांग्रेस का जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का कुछ? यहाँ कुछ नहीं, बीजेपी 7 सीट, 7 नहीं 5-6 तो आएंगे। दो सीटों में किसका कन्फ्यूजन लग रहा है कि कौन सी पार्टी? आप आम आदमी पार्टी। 23 मई को किसके फेवर में रिजल्ट आता होगा? सिर्फ बीजेपी, मोदी। मोदी 7 सीट? 7 सीट कंप्लीट। कांग्रेस बेटा इस बार बिल्कुल, ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी का कुछ? सर वो ऐसा ही है, राज्य का दर्जा क्या लोगों को पसंद नहीं आया? अगर कोई पसंद नहीं आ रहा उसका काम केजरीवाल का। मोदी की 7 सीटें इस बार मोदी की जाएगी क्या? आम आदमी पार्टी का क्या पूर्ण राज का दर्जा लोगों को पसंद नहीं आया? आपसे पूछना, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? यहाँ तो ये बीजेपी जीतेगी। 7 सीटें बीजेपी की जाएगी? 7 नहीं जाएगी बीजेपी की, 4 आएगी। 3 किसकी जाएगी? 2 केजरीवाल की आएगी और 1 कांग्रेस की आएगी। मोदी का? मोदी का 7 सीटों पे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा दिल्ली में आएगी कांग्रेस। कौन कौन सी सीटें कांग्रेस? सारी आएंगी, सारी सीटें चांदनी चौक से, सारी सीटें भैया आपको दिल्ली से आएंगी। ऐसा क्यों आपको लगता है? देख लेना आप, आपके तो जी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस 7 सीटों पे? 7 सीटों। रिजल्ट क्या आता हुआ दिख रहा है 23 मई को? तो आना चाहिए, उसने कहा था क्या नाम है, मैं बिजली करूंगा कम, बिजली करी, पानी का करा उसने, इसको आना चाहिए उनको, और मोदी को तो जाना चाहिए, नोटबंदी करी चलो कोई बात लेकिन नहीं। आप रिजल्ट क्या आता हुआ दिख रहा है यहाँ? मेरे को तो यही आ रहा है कि सारे यही कह रहे हैं आप, तो आपको आना चाहिए। 7 सीटें आनी चाहिए और पूरे बहुमत से आएगा।
तुमने पहले भी आया था तो पिछली बार जैसे ऑटो वालों का जितना था सब लोग जो है फेवर किए थे विधानसभा चुनाव में वहाँ पे आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में भी ये आम आदमी पार्टी का चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे नॉर्मल बंदा हो, बिजली को हर किसी बिजली के पैसे बच रहे हो, पानी के बच रहे हो, तो कोई भी बंदा होगा वो कहेगा आना चाहिए। 7 सीटें बिल्कुल मिलेंगी बीजेपी को, उसने जो जिस ट्रैक पे चलाया है मोदी ने काम करवाया है, बहुत अच्छा काम कराया है। और अब काम थे ऐसा जिस पे आपका ये एयरपोर्ट वगैरह का काम था जो उसने सफाई, सबसे बढ़िया सफाई, देश की सफाई होगी तो लोगों के मन की सफाई हो जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। और लगता तो यही है कि बीजेपी वापस आएगी, बीजेपी 7 सीटों पे, ये नहीं कह सकते 7 पे, लेकिन लगता तो वही है। क्या आम आदमी पार्टी इस बार देखने को नहीं मिलेगी? भी हो सकती है, वो भी आ सकती है। बीजेपी 100% बीजेपी श्योर आने वाली है, मोदी के फेवर में जाता दिखेगा और क्या। 7 सीटें वो सब कम सीट आएंगी, पर पहले से थोड़ी कम आएंगी अब की बार मोदी। 1-2 सीटें जो आएंगी वो किसके तरफ जाती हुई दिख रही है? आम आदमी पार्टी का कुछ है? आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सब चोर हैं, सब पार्टी, कोई पार्टी कुछ नहीं है, भगवान की चंदले। क्या बीजेपी? बीजेपी क्या पार्टी चोर है, चोर पार्टी। आप क्या कहते? बीजेपी 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 आएगी 7 सीटें करीब करीब। आम आदमी पार्टी ने कुछ कि जो किया वो उसके हिसाब से किया क्या? केवल केंद्र पे आक्षेप लगा के रखा है, बाकी कुछ नहीं कर पाई जनता के लिए। आप कितने दिनों से ये दुकान लगाते हैं? 54 साल हो गए। 54 साल? हाँ जी। रिजल्ट वही बीजेपी आएगी, बीजेपी ही 7 सीट। दिल्ली में 60.5% वोटिंग हुई है इस बार, यहाँ पर दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी का दबदबा होगा ये तो सही रूप में 23 तारीख को ही पता लगेगा, 23 मई को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों से आपने सुना देखा कि यहाँ पर कि लोगों की क्या राय है इस बार बीजेपी का, क्या कुछ बीजेपी के ही फेवर में जाते हुए सारी सीटें लगभग देखी जा रही हैं। 1-8 सीटों का अंतर लोग बता रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, हालांकि वैसे त्रिकोणीय मुकाबला था। अब देखेंगे कि 23 मई को क्या रिजल्ट आने वाला है।